तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा ग्रुप नंबर 15 जो है, हम उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं पहले बात करती हूँ मेल्टिंग पॉइंट की, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पहले तो इंक्रीज होता है। फर्स्ट इंक्रीज, इंक्रीज कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। नाइट्रोजन से फॉस्फोरस गए, फॉस्फोरस से आर्सेनिक गए, तो वहां तक तो आपका मेल्टिंग पॉइंट घटता है। फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज। शुरू में बढ़ता है और फिर घटता है एंटीमनी से बिस्मथ। शुरू के तीन एलिमेंट जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, यहां तक तो मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है इंक्रीज, लेकिन फिर एंटीमनी और बिस्मथ के केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अभी रीजन इसका करेंगे ऐसा क्यों है। और अगर मैं बात करती हूँ बॉइलिंग पॉइंट की, अगर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली इंक्रीज ही होता जाता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इट इज रेगुलरली इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट में बेटा कहीं पे कोई वेरिएशन नहीं आती, वो रेगुलर बढ़ता ही जाता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे वेरिएशन आती है। शुरू में आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक, और फिर आपका घटना शुरू हो जाता है एंटीमनी और बिस्मथ के लिए। ठीक है, तो अब इनके रीजन हम करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली क्यों बढ़ता है और मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन क्यों आती है। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट के रेगुलरली बढ़ने का मतलब ये है बिकॉज साइज ऑफ एटम, बिकॉज साइज ऑफ एटम रेगुलरली इंक्रीज, क्योंकि जो एटम का साइज है वो रेगुलरली इंक्रीज होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है बेटा, जब भी आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो जो एटम है उसका साइज रेगुलरली बढ़ता जाता है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। लेकिन आप अगर वेरिएशन की बात करें मेल्टिंग पॉइंट में, कि मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा क्यों हुआ कि शुरू में तो बढ़ता है और फिर घटना शुरू हो जाता है, तो इसका आंसर होगा, हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, इनाइट पेयर इफेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? इनाइट पेयर इफेक्ट होगा। ठीक है, उसे अभी हम डिस्कस करेंगे, तब तक पहले आप ये नोट डाउन कर लो। अब हमें इस बात का रीजन यहाँ पे देना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पहले क्यों इंक्रीज हुआ और बाद में क्यों डिक्रीज हुआ। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, कि भाई रेगुलरली एटॉमिक साइज बढ़ रहा है इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। फिर ये वेरिएशन क्यों आई एंटीमनी और बिस्मथ में? क्योंकि जो एंटीमनी और बिस्मथ है ना, ये दोनों थ्री कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। एंटीमनी और बिस्मथ जो है वो थ्री कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, ये फाइव कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाते। फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, ये पांच कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ जो है ना, ये फाइव कोवेलेंट बॉन्ड की जगह थ्री कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं ड्यू टू इनाइट पेयर इफेक्ट। तो बेटा इस चैप्टर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, यही क्वेश्चन बन गया, मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज गिव रीजन। तो इसका रीजन आप यही दोगे कि मेल्टिंग पॉइंट शुरू में क्यों बढ़ा, क्योंकि लगातार एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर एंटीमनी बिस्मथ का कम क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों इनाइट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, जो इनके एटम्स है वो तीन ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, बाकी के कितने बना सकते हैं? पांच बना सकते हैं। इनाइट पेयर इफेक्ट क्या था? आपको प्लस वन क्लास का ध्यान होगा, रिलुक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल के, वो इंटरेस्ट शो नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन की पार्टिसिपेशन में, इसीलिए वो बेटा क्या शो करते हैं? इनाइट पेयर इफेक्ट। ये टॉपिक आगे हम डिटेल्ड भी करेंगे, अभी आपको इतना रीजन याद करना है ड्यू टू इनाइट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो ये आप कर ले, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करेंगे बेटा।
सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, ये मैं रब कर देती हूँ, लोगों ने कर लिया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आप टॉपिक डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट एट एन एटम, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट एट एन एटम, एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट एट एन एटम, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, कि कोई भी एक एटम है उस पर एक्चुअल में कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो अब बेटा आप देखो, ये पांच एलिमेंट आपके हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इनमें जो नाइट्रोजन है, जो आपका नाइट्रोजन है, ये माइनस थ्री की स्टेट भी शो करता है, प्लस थ्री की स्टेट भी शो करता है। फॉस्फोरस है, ये माइनस थ्री भी करता है, प्लस थ्री भी करता है, प्लस फाइव भी करता है। ये प्लस थ्री प्लस फाइव करता है, ये प्लस थ्री कभी कभी प्लस फाइव भी कर देता है, ये प्लस थ्री ही शो करता है। ठीक है, अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी है, नेगेटिव भी शो करते हैं, पॉजिटिव भी शो करते हैं। अब जो नाइट्रोजन है, इसकी सबसे कॉमन स्टेट क्या है? माइनस थ्री है। फॉस्फोरस दोनों शो करता है, प्लस थ्री भी प्लस फाइव भी। आर्सेनिक है, ज्यादा बनता है प्लस फाइव में। एंटीमनी की ज्यादा स्टेबल प्लस थ्री होती है, एंटीमनी की भी और बिस्मथ की भी क्या होती है? प्लस थ्री होती है। अब कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं जहां पर एन स्टेट शो करे माइनस थ्री की और एक में शो करे प्लस थ्री की। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिया NH3 और एक मैं लू NF3। तो आप लोगों को पता है जो NH3 है अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो टोटल यहाँ एन पे कितना माइनस चार्ज आएगा? माइनस थ्री। एक एच पे प्लस वन आता है, टोटल तीन एच पे प्लस थ्री आया, तो यहाँ एन पे चार्ज क्या आया बेटा? माइनस थ्री आया। ठीक है, और एन एफ थ्री की अगर मैं बात करती हूँ तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कहीं ना कहीं फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आपको पता भी होगा फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो एन और एफ के केस में एक एफ का चार्ज माइनस थ्री है, तो यहाँ तीन एफ का चार्ज मिला के प्लस थ्री हुआ, तो यहाँ एन का चार्ज क्या आएगा? प्लस थ्री है। तो आप देख सकते हो वही नाइट्रोजन है, एक में चार्ज शो कर रहा है माइनस थ्री का, एक में चार्ज शो कर रहा है प्लस थ्री का। अब आपने एक बात नोट की, जो नाइट्रोजन है ना वो प्लस फाइव की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा। जो नाइट्रोजन है वो प्लस फाइव की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा। ठीक है, आपने एक बात और नोट की होगी, जब तुम डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो माइनस थ्री की स्टेट तो घटती जा रही है और प्लस थ्री की स्टेट है वो बढ़ती जा रही है। ये आपने देखा ना, यहाँ माइनस थ्री की स्टेट तो घट रही है और प्लस थ्री की स्टेट क्या है? बढ़ रही है। तो यहाँ बेटा कई क्वेश्चन माइंड में आते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही आया कि डाउन द ग्रुप जाने पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्यों घट रही है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बढ़ रही है? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा बोलो? मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, ये आपको पता ही होगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज। अब अगर मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा तो मेटल तो कैसी होती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। मेटल तो कैसी होती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इसीलिए यही वजह है, दैट्स व्हाई प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज एंड माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। डाउन द ग्रुप जाने पर प्लस थ्री की तो बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट और माइनस थ्री की कम हो जाती है। माइनस थ्री की कम क्यों हुई? रीजन लिख दोगे? बिकॉज नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज।
बिकॉज नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज. बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक करेक्टर तो बढ़ता है, नॉन मेटालिक करेक्टर घटता है, इसीलिए आपकी प्लस की स्टेट तो बढ़ती जा रही है लेकिन माइनस की स्टेट क्या है, कम होती जा रही है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो ये हुआ. आपकी माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन ये है, नाइट्रोजन ने माइनस थ्री और प्लस थ्री तो शो करी, बट जो नाइट्रोजन है ना वो प्लस फाइव की स्टेट शो नहीं करता. एक तो नाइट्रोजन ने प्लस फाइव की स्टेट शो नहीं की, और एक बिस्मत है वो प्लस थ्री में स्टेबल होता है, वो खुद को प्लस फाइव में स्टेबल फील नहीं करता. एक बिस्मत ने प्लस फाइव की स्टेट शो नहीं की, तो इन दोनों का रीजन क्या है, इनकी वजह क्या है वो हमें बतानी है. ठीक है, तो बेटा इन दोनों की वजह रीजन क्या होगा वो आप लोग देखिए ध्यान से. तो देखिए बेटा अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप डाल लो. व्हाई नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे. व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट शो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट. क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट शो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट. बट आप देख सकते हो यहां मैंने माइनस थ्री करी प्लस थ्री करी, बट मैंने प्लस फाइव नहीं. तो किसी बच्चे को प्लस वन क्लास का ध्यान है बेटा, आंसर देना चाहेंगे शाबाश, कि नाइट्रोजन प्लस फाइव की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता. कोई भी रीजन देना चाहेगा, किसी को प्लस वन क्लास का ध्यान हो तो इसका एक ही आंसर होता है. और बता दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन यू और आता है, व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स. व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स. पेंटा का मीनिंग समझते हो, पांच है, हेलाइड का मतलब क्या है, हेलोजन है. तो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाते, या जो नाइट्रोजन आपका है वो प्लस फाइव की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता, आपको इसका आंसर देना है. ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा बेटा, शाबाश, बता सकते हो. कोई भी क्लास से बताना चाहेगा, अंकित बेटा बताना चाहोगे इसका आंसर, शाबाश. ऐसे गूंगे बहरे बन के बेटा मत बैठो, सारे क्लास है, बताया करो आंसर, इसका आंसर क्या होगा. ये कह रहा है नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाते, मतलब बेटा एन है वो, एन है ना एनएच थ्री या एनसीएल थ्री तो बना देता है, बट एन है ना वो एनसीएल फाइव नहीं बनाता. तो इसका एक ही आंसर होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. इन दोनों क्वेश्चन का बस ये एक लाइन का आंसर है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. ठीक है, जो आपका बेटा नाइट्रोजन है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए बेटा ये प्लस फाइव की स्टेट शो नहीं कर सकते. अब कैसे वो आप लोग समझो बेटा, तो मैं इसको रब कर देती हूँ फिर समझाती हूँ. आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन सेवन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेवन है भाई. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो, 1s2 2s2 2p3 हो गया ना सेवन. तो अब आप बताओ आउटर मोस्ट शेल में इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और 2p में तीन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आप देखिए मैं इसको ये कर सकती हूँ 2s, ये है हमारा 2s और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बोलो, दो इलेक्ट्रॉन है. और ये है इसका 2p, एक का नाम रख लिया 2px, एक का नाम रख लिया 2py, एक का नाम हो गया 2pz. अभी ये ग्राउंड स्टेट में है. gs का मीनिंग क्या है कि भाई अभी ये ग्राउंड स्टेट में है. तो इसकी s में दो इलेक्ट्रॉन है और इसकी p में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन, एक दो तीन. आप लोग ये बताओ बेटा फिलहाल इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिलहाल इसमें थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तीन है ना, 1 2 3. तो ये कितने की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा फिलहाल, तो प्लस थ्री की. बेटा जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं ना वो उतने की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो फिलहाल इसमें तीन अनपेयर्ड ऑर्बिटल थे तो ये प्लस थ्री की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. अब ये प्लस फाइव की कब शो कर पाए,
जब इसमें पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब आप बताओ पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होंगे? अब 2p के बाद 2d तो बनता ही नहीं है, आपको पता है जो 2d ऑर्बिटल तो पॉसिबल ही नहीं है, 2d ऑर्बिटल तो बन ही नहीं सकता, 2d ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। तो 2s के आगे अगर 2d ऑर्बिटल ही नहीं है तो फिर यहाँ पे कभी पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। हाँ भी अगर इसके आगे d ऑर्बिटल खाली पड़ा होता ना तो मैं एक इलेक्ट्रॉन s का d में भेज देती, फिर मेरे पांच अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो जाते, बट यहाँ हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हम पांच अनपेयर्ड करें कैसे बेटा, हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं होता। यही वजह है कि जो नाइट्रोजन है वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाती, या जो आपका नाइट्रोजन है वो प्लस 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूम फिर के यूपी आ सकता है, व्हाई नाइट्रोजन ठीक है फॉर्म्स, व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म NCl5, व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म NCl5 बट फॉस्फोरस इजिली फॉर्म PCl5, बट फॉस्फोरस इजिली फॉर्म PCl5। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है बेटा, ऐसा क्यों हो जाता है कि जो नाइट्रोजन है वो तो नहीं बना पाता NCl5, बट जो फॉस्फोरस है ना वो इजिली बना लेता है PCl5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो कोई बताओगे इसका आंसर? बेटा अंकित तो स्क्रीनशॉट ले लियो, सुभाष सर तो आए नहीं अब तक आज। नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता बट फॉस्फोरस है वो PCl5 बनाता है। बेटा भूवी आप इसका आंसर दोगे, भूवी बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो। शाबाश, भूवी बेटा मैं आपसे पूछ रही हूं कि नाइट्रोजन तो NCl5 नहीं बनाता बट फॉस्फोरस इजिली जो ना PCl5 बना देता है, ऐसा क्यों है? इसका एक ही रीजन है, जो नाइट्रोजन है ना उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं होता। खुद लिख लो आंसर आप, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, नाइट्रोजन डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसीलिए वो प्लस 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता। लेकिन जो आपका फॉस्फोरस होता है ना, इट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। फॉस्फोरस के पास बेटा क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए फॉस्फोरस जो है वो प्लस 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेता है। That why phosphorus show plus 5 oxidation state. ठीक है, ये आंसर आप लिख लें। अब बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ, जो आपका लास्ट एलिमेंट था नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, तो अगला क्वेश्चन आप लोग हेडिंग डालो, why bismuth do not show plus 5 oxidation state? जो बेटा बिस्मथ है ना वो प्लस 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करती, ये आपको बताना है, ठीक है। तो करो बेटा, शाबाश, क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया, व्हाई बिस्मथ डू नॉट शो प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा अभी भी दो बच्चे क्लास से गए हैं, बता सकते हो कौन कौन गया है? हाँ भाई है आपको ध्यान? एक तो हरीश नहीं है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आंसर क्वेश्चन आपने डाल लिया होगा, व्हाई बिस्मथ द लास्ट एलिमेंट क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा, यही आएगा
लास्ट क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से, व्हाई बिस्मथ डू नॉट शो प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपका आखिरी एलिमेंट है ना बिस्मथ, वो खुद को प्लस 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल फील नहीं करता। तो इसका आंसर क्या है वो आप लोग समझे। ड्यू टू, आंसर तो वन लाइन का होगा, इनाइट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनाइट पेयर इफेक्ट। और ये आपको पहले ही समझा रखा है इनाइट पेयर इफेक्ट क्या होता है, द रिलुक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। बेटा अंकित मुझे बताना आज दो बच्चे क्लास से कौन कौन गए अभी, द रिलुक्टेंस मैसेज कर दियो बेटा, रिलुक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये सब मैंने प्लस वन क्लास में करवाया था, एक बार दोबारा मैं आपको ध्यान दिला देती हूँ कैसे ये हुआ था। तो मैं ये रन कर दूं एक बार, फिर देखिएगा। बिस्मथ जो है, बिस्मथ की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बताओगे, है किसी को ध्यान? नाइट्रोजन की होती है 2s2 2p3, तो इसकी क्या होगी 6s2 6p3, ये तो सबको पता है। तो अब आप देखिए ये आपका 6s है और 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। ये ग्राउंड स्टेट है, gs का मतलब क्या है बेटा, ये ग्राउंड स्टेट है। 6s में दो इलेक्ट्रॉन है और 6p में फिलहाल यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फिलहाल इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 है ना, और 6p के आगे ये क्या खाली पड़ा है, 6d। 6p के आगे ये क्या खाली पड़ा है, 6d खाली पड़ा है। मैं इसको मिटा देती हूँ बेटा, इनाइट पेयर इफेक्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिलहाल ये प्लस 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। अब ये ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट से हम इसको लेंगे एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से हम इसे कहाँ लेके जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में। तो हिसाब से क्या होना चाहिए, जो ये एस का इलेक्ट्रॉन है इसको डी सब शेल में जाना चाहिए, एस के इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना चाहिए, डी सब शेल में। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो इसके पास 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे, इसके पास 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे। अब 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो जाए तो ये प्लस 5 की स्टेट शो कर दे, लेकिन जो ये एस सबशेल का इलेक्ट्रॉन है ना, ये डी में जाना ही नहीं चाहता, ये एस सबशेल का इलेक्ट्रॉन डी में जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर इसको हम एनर्जी भी दे रहे हैं ना, उसके बावजूद भी एस का इलेक्ट्रॉन डी में जाना नहीं चाहता, क्योंकि 6p और 6d के बीच में, क्योंकि 6p और 6d के बीच में बहुत सारे ऑर्बिटल से उनका घर भी आता है, सीधा ये नहीं है बेटा 6p और फिर 6d आ जाता है, ऐसा नहीं है बेटा, इनके बीच में और भी ऑर्बिटल्स हैं, वो भी आपके आते हैं, ठीक है। अब वो ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, बता सकते हो बेटा 6p और 6d के पहले कौन कौन आता है? एक तो f ऑर्बिटल आ जाता है, 4f, क्या आ जाता है, f ऑर्बिटल आ जाता है, ठीक है, ओके, 4f आ जाता है इनके बीच में। आपको ये इस तरीके से करना आता होगा ना बेटा, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3D, 4D, 5D, 6D, 4F और 5F। अब इन्हें आप कट करके देख लो एक बार, आपको आइडिया मिल जाएगा। अब आप एक बार देखो 6P और 6S के, 6S तो ये है और 6D ये है। आप देखो बेटा 6S और 6D के बीच में कौन कौन से ऑर्बिटल आ रहे हैं, ये है 6S, ये है 6D, इनके बीच में 4F आया, क्या आया बोलो, 4F के बाद 5D आया, 5D के बाद 6P आया, 6P के बाद 7S, ये चार ऑर्बिटल आते हैं बेटा, 4F 5D 6P एंड 7S, ठीक है। तो 6P तो हमने बना ही रखे हैं, तो अब आप देखो P और D के घर के बीच में, ये तीन के घर और आते हैं, पहले F का आता है,
डी का आता है और एस का आता है। एफ में बेटा सात ऑर्बिटल होते हैं आपको पता है, डी में फिर पांच ऑर्बिटल हो गए, एस में एक ऑर्बिटल होता है, तो बीच में सात पांच ग्यारह और एक बारह ऑर्बिटल हो जाते हैं, तब जाके सिक्स डी का घर आता है। मतलब इसको यहां जाने के लिए ना इतने सारे ऑर्बिटल को क्रॉस करना पड़ेगा, तो एनर्जी का गैप बहुत ही ज्यादा होता है 6s और 6d के बीच में। तो जो आपका 6s का इलेक्ट्रॉन है ना वो 6d में जाना ही नहीं चाहता, ड्यू टू अ वेरी लार्ज एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन ऑफ 6s सबशेल इज नॉट इंटरेस्टेड टू रीच गो इनटू 6d सबशेल। तो यहाँ पे s का इलेक्ट्रॉन d सबशेल में जाना ही नहीं चाहेगा, तो कभी भी इसमें पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं और ये कभी भी प्लस 5 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ही नहीं। यही वजह है कि जो आपका बिस्मथ है ना वो प्लस 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट्स व्हाई बिस्मथ शो प्लस 5 ऑक्सीडेशन, डू नॉट शो प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। रीजन आपको समझा दिया है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो पहले ने क्यों नहीं शो करी, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और आखिरी ने क्यों नहीं शो करी, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो बेटा आपका ये टॉपिक पूरा हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब इसके बाद का हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी साथ साथ आ जाना बेटा इस क्लास में भी।